आके जल्दी से एक लॉन का सूट लेके आई। मेरा दिल किया कि नया लॉन का सूट पहनूं, तो वो मैं लेके आई। चलो दिखा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जब सन निकलता है तो कितना प्यारा लगता है। सूरज की रोशनी इतनी खूबसूरत होती है जब निकलती है, और जब ग़ुरूब होती है तब भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और स्टार्ट हो रहा है सूरज निकलना, और कितना ये माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक ने सूरज का निकलना और उसका ग़ुरूब होना भी, उसमें भी कितनी खूबसूरती रखती है। अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जी, तो यहाँ पर मेरी चाय बननी स्टार्ट हो गई है, तो चाय बना रही हूँ, कहवे वाली चाय बना रही हूँ। कहवा बनाया है पहले, उसके बाद मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, और अब हम पियेंगे चाय। और चाय बनाते बनाते जहन में ये भी चल रहा है कि आज के दिन क्या कुकिंग की जाए, खाने में क्या बनाया जाए। कुछ समझ नहीं आती कि आज क्या बनाएं, क्योंकि जब सोचते हैं कल क्या बनाया था, उससे पहले क्या बनाया था, वो सब हम बना चुके होते हैं, तो कुछ नया क्या बनाएं, तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय डाल रही हूँ। वो थोड़ी सी चाय लेते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा चाय लेती हूँ, तो उनके लिए चाय डाल के उनको दे दूँगी। और ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, गिर भी गई है, खैर कोई नहीं, ये तो चलता है। रिकॉर्डिंग करते हुए पता नहीं चलता कि कैमरा किस साइड पे जा रहा है। खैर, ये मैं अपने लिए चाय डाल रही हूँ, और मेरा आप देख सकते हैं कि बड़ा कप होता है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड किया है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो कि शुगर के बगैर भी चाय पी लेते हैं, लेकिन मैं शुगर के बगैर ना चाय पी नहीं सकती। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ, ज़रूर मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एग बॉईल करने लगी हूँ, और मैं चाय के साथ लूँगी 1 बॉयल एग, और साथ में मैं थोड़े से आलमंड्स भी ले लेती हूँ। पहले ये होता था कि मैं आलमंड्स को रात को भिगो देती थी, फिर मैं सुबह उनका छिलका उतार के वो लेती थी। अब मैं, मुझसे इतना तकल्लफ नहीं होता, तो अब मैं उनको सिंपल से आलमंड्स ले लेती हूँ और खा लेती हूँ। और वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का नाश्ता सुबह के टाइम नहीं होता, तो मैं बिस्किट्स लेने के बजाय कोशिश करती हूँ कि हेल्दी उसमें आऊँ, तो मैं इसमें बॉयल एग ले लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं रसबेरी और ग्रीक योगर्ट को मिक्स करके योगर्ट बॉल तैयार करने लगी हूँ, और ये मैंने तकरीबन तैयार किया था 11 o'clock, और इसको मैं सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके लेती रहूँगी, लेकिन ये इस वक्त मैं इसको ले रही हूँ। और इसके अलावा आप इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, आप इसमें बनाना ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है, शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ रसबेरी ऐड की है और इसको ऐसे ही लिया है। इसमें हाई प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये वाला बाउल तैयार करें इस किस्म का, इसमें चिया सीड्स ऐड करें, और जो भी दूसरे सीड्स हैं वो ऐड करके आप आराम से ये बना के खा सकते हैं, और ये हमारे जिस्म को सारा दिन एनर्जी भी देगा, क्योंकि हम लेडीज़ को घर के सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। विटामिन्स हम इतने ज़्यादा लेते नहीं हैं, वरना ये होता है कि एक सर्टन एज के बाद हम लोगों को विटामिन्स शुरू कर देने चाहिए, लेकिन मोस्टली ये होता है कि लेडीज़ जो होती हैं अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस किस्म की हम लोग योगर्ट बाउल बना के खा लें या फ्रूट्स ज़्यादा ले लें, तो उससे हमारी जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाती है। तो हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है वो बहुत बिजी होती है, सारा दिन उसने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा काम है वो भी करने हैं, तो इसलिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ लिटिल ग्रोसरी करने के लिए, घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूंगी, जो लोग मुझे यूके से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जो ज़्यादा देखने वाले हैं वो यूके से ही हैं, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की साइट पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कितने ज़्यादा हैं,
तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि उस साइड के क्या हालात हैं, आपकी तरफ क्या हालात हैं, आपके एरिए की सिचुएशन क्या है। और लंदन में तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है। लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, बाकी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें कि आजकल थोड़ा सा बाहर ना निकलें और घरों में रहें, लेकिन ये कि केयर करके चलें। खैर, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। पूरी दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं और अल्लाह पाक हमारी कंट्री को इतना अच्छा कर दे कि हम सब अपनी कंट्री में दोबारा से चले जाएं और इन कंट्रीज़ में हमें रहने की ज़रूरत ही ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुस्लिम्स को नहीं टारगेट किया जा रहा, इसके अलावा भी अफ्रीकन हैं और जो दूसरे हैं उन सब को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया जा रहा। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री से ये सब निकल जाए। तो अल्लाह पाक हम हमारी कंट्री को इतना अच्छा कर दे कि हम लोग इनकी कंट्री में आए नहीं और हम हमारी कंट्री में लोग आए। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, सब लोग दुआ करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक बेहतरी करे, आसानी करे और हमारी कंट्री को बहुत अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रोसरी भी कम्प्लीट कर ली है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये चॉकलेट रखी हुई हैं। आग लगी थी, देखिए पूरा ये जल गया था, किस तरह से जला हुआ है ये चेक कर, ये पूरा घर ये फायर से ना जल गया था। चलिए जी, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या ग्रोसरी में लेके आई हूँ। एग्स लेके आई हूँ और इसके अलावा मैं ट्यूना फिश लेके आई हूँ और राइस लेके आई हूँ, योगर्ट लेके आई हूँ और मिल्क लेके आई हूँ, चीज़ लेके आई हूँ और पोटैटोज़ लेके आई हूँ। योगर्ट है ये, यहाँ पर ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। और बीन्स लेके आई हूँ, ये भी प्रोटीन मौजूद होती है इनमें, बहुत अच्छे होते हैं। और जब कभी दिल करता है कुछ एक्स्ट्रा खाने को तो फिर एक बीन्स का डब्बा खोलते हैं और खा लेते हैं। टमाटर लेके आई हूँ, शुगर है, बस इसी किस्म की जो घर में एवरी डे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं तो वो मैं लेके आई हूँ। और ये देखें टमाटर माशाल्लाह कितने फ्रेश हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। चलें किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो थोड़े थोड़े उतरते हैं, एकदम से ज़्यादा नहीं उतरते हैं, तो इसलिए मुझे लाने पड़ते हैं। और दोपहर के खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं आलू बॉयल कर रही हूँ और साथ में ही मैं ब्रोकली को स्टीम दूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी, तो स्टीम में हमारी ब्रोकली भी तैयार हो जाएगी और पोटैटो नीचे से वो भी हमारे बॉयल हो जाएंगे। तो आज थोड़ी सी हम डाइट की तरफ आते हैं, बॉयल चीज़ें लेंगे। तो रोटी हमने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी, ब्रोकली बॉयल करनी है, आलू लेना है और इसी तरह से हम बग़ैर किसी रोटी के हम इनको खाएंगे। तो हेल्दी ऑप्शन है, जब कभी डाइट का मूड होता है कि थोड़ा सा हम पेट की सफाई कर लें, लाइट ले लें, तो हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ये प्लेट तैयार की है, चटनी रखी है थोड़ी सी और थोड़ी सी मैंने योगर्ट और ये मैगी सॉस थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा हमें जो टेस्ट है वो अच्छा लगे। अदरवाइज़ तो बॉयल चीज़ों का आपको पता ही, इतना टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो ये मैंने अपनी प्लेट तैयार की थी, यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए तैयार कर रही हूँ प्लेट। तो इसमें मैंने ब्रोकली रखी है और पोटैटो रखे हैं और उसको एक कबाब भी चाहिए था तो मैंने कबाब बॉयल किया है और यहाँ पर ये सोसेजेज़ के भी डाले हैं थोड़े से और ऊपर से थोड़ी सी सॉस डाली है। तो ये मैं अपने बेटे के लिए दूंगी, इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के लिए दिया, इसी तरह से मैंने अपनी बेटी को बना के प्लेट दिया है। तो हम सब ने अपनी अपनी प्लेट बना के इस तरह से हमने दोपहर का अपना खाना खा लिया है। तो कभी कभी मूड होता है ना कि वो सालन रोटी टाइप चीज़ ना खाई जाए, कुछ इस तरह से लाइट खाया जाए ताकि हम लोग खुश भी हो जाएं कि हमने थोड़ी सी डाइट कर ली है। ये मैं एक लॉन का सूट लेके आई थी, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है इसकी शर्ट और ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र की स्टिचिंग अच्छी हुई हुई है, बैक से इस तरह से है और ये शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है बिल्कुल भी इसके ऊपर, एम्ब्रॉयडरी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है घर में, तो मैंने सिंपल लिया है। लेकिन कलर इसका काफ़ी ज़्यादा डार्क है लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्लावर इसके।
और कला इसका देखें बहुत अच्छा बना हुआ है। ब्रांड पता नहीं कौन सा ये वाला है, बैक से यहाँ पर ब्लैक व्हाइट ब्लू इस किस्म के बहुत ज़्यादा हम लोग पहनते हैं तो अच्छा लगता है। खिलता हुआ कलर लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही खिलता हुआ है लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी पहनने में। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ बाहर से, मेरा बेटा खेल के आया था और कह रहा था मम्मा जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दें, आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं। मस्के लगाने के लिए कह देता है मम्मा आप अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं, तो मैंने उसके लिए जल्दी से ये वाली कॉफ़ी बनाई है तो खुश हो गया था देख के कि मम्मा ने फ़ौरन से मुझे बना के दे दिए। और इसके बाद हम लोग पार्क में आए हैं, बहुत प्यारा मौसम था, धूप निकली हुई है और लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम काफ़ी फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाती हैं और गपशप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो पार्क में देखें कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, साइड पे झूले भी लगे हुए हैं। इंट्री फीस इन्होंने 1 पाउंड रखी हुई है, आप 1 पाउंड दें और अंदर इंटर हो जाएं और अपने बच्चों को झूलों पर आप खिला सकते हैं। लेकिन झूलों के भी आगे से फ़ीस रखी हुई है, जो भी अंदर राइड्स हैं उनकी फ़ीस 6 पाउंड है, किसी की 7 पाउंड है और किसी की 5 पाउंड, इस तरह से इन्होंने अंदर फ़ीस भी रखी हुई है। लेकिन आते हैं जो बच्चे शौक होता है जिनको तो आके फिर राइड्स लेते हैं। मेरे बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए इसलिए वो इन राइड्स पर नहीं आते। और घर आने के बाद ये देखें मैंने पौधों की क्लीनिंग की है, पत्ते काफ़ी इसके ख़राब हो रहे थे तो उनको मैंने इसमें से निकाला है और इसके बाद मैंने इसको ऊपर से अच्छी तरह से पानी डाल के वॉश किया है। तो देखें हाउस वाइफ की ड्यूटी कहीं भी ख़त्म नहीं होती है, बस अपने लिए वो थोड़ा सा अगर टाइम निकालना चाहे तो निकाल सकती है। जिस तरह से मैं अभी पार्क में गई थी और अपना बहुत प्यारा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, फ्रेंड्स आई हुई थी, गपशप लगाई, बहुत ज़्यादा हंसे बोले, तो ये मेरा मी टाइम था जो कि मैं बाहर गुजार के और अपने आप को फ्रेश करके आई। और घर में आते ही मुझे काम नज़र आ गए, तो देखें यहाँ पर मैं ये पौधा साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। अब जाते हुए मैंने अपने बेटे को कॉफ़ी बना के दी थी तो इतनी मज़े की थी तो मेरा दिल किया कि मैं आके अपने लिए भी बनाऊँ। तो अब ये रात का टाइम हो गया है तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और अब मैं इसको बैठ के पीऊँगी। तो आप लोगों के साथ मैंने पूरे दिन की रूटीन शेयर की है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं जो कि हम रिकॉर्ड में आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो फिर कोई भी देखता नहीं है। तो इसलिए इतनी ही वीडियो बनाते हैं जितनी के लोग आराम से देख लें। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं वो भी मेहनत कर रहा होता है, जिनके व्यूज़ कम आते हैं वो भी उसी तरह से ही मेहनत करके वीडियोस बना रहे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूँगी। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।